हेलो दोस्तों, तो मैं हूं आपका अपना राजकुमार और लेकर आ गया हूं आपके लिए एक नया ब्लॉग। दोस्तों मुझे प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों। तो जैसा कि मॉर्निंग हो चुकी है, आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। और मैं नहाकर हो गया हूँ तैयार, और यहाँ देख सकते हो फाइनली किट्टू के स्कूल भी खुल चुके हैं। तो आज मुझे उसको स्कूल छोड़ के आना है। और यहाँ देखिए किट्टू अभी सो रही है, और मेरी छुटकी भी अभी सो रही है, जैसा कि आप देख सकते हो। यहाँ देखो वो भी अभी सो रही है। ठंड बाहर है, थोड़ी अच्छी खासी ठंड है बाहर भी। तो अभी किट्टू रेडी होगी, 9:30 का उसका स्कूल है, तो अभी रेडी होके उसके बाद वो जाएगी स्कूल। और चलो मैं चलता हूँ पूजा करने के लिए। अभी मैं नहावा कर फ्री हुआ हूँ, तो अभी पूजा भी नहीं हुई है, तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। ये है, कर दी है हमने लाइट ऑन, ये खोल दिया है दरवाजा, और हम खोलने वाले हैं मंदिर के दरबार। जय श्री वाक की बिहारी, जय श्री वाक की बिहारी, जय श्री वाक की बिहारी, बोल सांची दरबार की जय, बोल श्री गणेश जी महाराज की जय, बोल राधा रानी की जय, बोल बांके बिहारी लाल की जय। तो देखिए दोस्तों, जय श्री राधे 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 राधे। तो हमने मंदिर के कपाट भी खोल दिए हैं, तो अब हम करते हैं पूजा। अब यहाँ देख सकते हैं हमने अपने कान्हा जी को गर्म पानी से स्नान करा दिया है। अब हम इन्हें वस्त्र पहनाने वाले हैं। देखिए कितने अच्छे से वो बैठे हुए हैं गर्म पानी में, वो आनंद के साथ नहा रहे हैं वो गर्म पानी में, आप देख सकते हो। हमें हमने पूजा की भी तैयारी कर ली है। चलिए अब कान्हा जी को वस्त्र पहनाते हैं हम लोग। यहाँ पर मैंने कान्हा जी को वस्त्र पहना दिए, चंदन लगा के मैंने उनको बिठा दिया। देखिए हमारे कान्हा जी कितने सुंदर लग रहे हैं, उनकी बांसुरी भी दे दी है, माला भी पहना ली है, और जैसा कि आप देख सकते हो चलिए इनका मुकुट भी लगा देते हैं। देखिए मैंने यहाँ उनका मुकुट भी पहना के, देखिए हमारे कान्हा जी कितने सुंदर से लग रहे हैं। ये आ गया है उनका भोग, मिश्री और बादाम का, तो ये लगाएंगे मिश्री बादाम का भोग। और मैं करता हूँ अब आरती। यहाँ पर किट्टू का नाश्ता भी रेडी हो रहा है, उसको सूखे आलू बहुत पसंद है, तो उसके लिए सूखे आलू बनाए जा रहे हैं। सूखे आलू बड़े शौक से खाती है वो, आलू छोंक दिए हैं, और पराठे के साथ वो आज लेकर जाने वाली है, और कुछ और भी थोड़ा सा रखेंगे उसको, बिस्किट वगैरह या कुछ और कुछ चॉकलेट्स वगैरह, क्योंकि उसको चॉकलेट भी बहुत अच्छी लगती है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो मैंने पूजा भी कर ली है, मैंने आरती कर ली है। यहाँ देखिए आरती मैंने कर ली है, और हम सबको सुबह को उठ करना थोड़ा सा पूजा पाठ भी करना चाहिए, क्योंकि भगवान हमें सब कुछ देता है, तो हमें भी उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए और पूजा पाठ करके उनका। तो दोस्तों ऊपर है काफ़ी अच्छा मौसम, देखिए थोड़ा सा कोहरा भी है, लेकिन ठंडा है आज काफ़ी, अच्छी खासी है। और यहाँ लगा दिया है मैंने सूर्यदेव को जल, जैसा कि आप देख सकते हो मैंने लगा दिया है सूर्यदेव को जल। और चलिए हम लगा देते हैं थोड़ा सा पौधों में भी। जय विष्णुनारायण, जय विष्णुनारायण। ये देखिए छत पे बैठी हुई एक छोटी सी प्यारी सी चिड़िया भी।
जय श्री मनारायण, जय श्री मनारायण। तो जल चढ़ाकर हम आ गए हैं नीचे, तो जल चढ़ाकर मैं आ गया हूँ नीचे, और नीचे चला रखे हैं मैंने थोड़े से भगवान जी के गाने। भगवान जी के भजन सुनने का मुझे अच्छे से शौक है, तो इसलिए सुबह को हम लोग भगवान के भजन भी चलाते हैं बढ़िया से। और यहाँ देखिए मेरी पूजा हो चुकी है कंप्लीट, पूरी पूजा मैंने कर ली है। चले तो किट्टू भी हो गई है तैयार, तो हम लोग निकलेंगे उसके स्कूल को छोड़ने के लिए। देखिए किट्टू हो गए चलने के लिए तैयार। किट्टू आओ जल्दी बैठो, तो चलिए चलिए निकलते हैं हम स्कूल के लिए, किट्टू के स्कूल के लिए। चलो किट्टू। देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं, और स्कूल के बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, तो मैं भी अपनी बेटी को स्कूल छोड़ के आ चुका हूँ। तो चलिए तो मैं भी चलता हूँ, उसको सामान लेना है, उसके बाद मैं घर निकलता हूँ। तो पहुँच चुका हूँ मैं सामान लेने के लिए, चलिए लेते हैं सामान। सामान लेना है नाश्ते के लिए, वही लेने जा रहा हूँ मैं अभी। मुझे पनीर लेना था लेकिन पनीर वाले भैया आए नहीं हैं, तो इतनी दूर आए हैं तो कुछ ना कुछ तो लेते हैं। चलिए सामान मैं करता हूँ शॉप से। मेरी नेसेसरी चीज़ जो थी वो थी पनीर, लेकिन भैया वो आए नहीं है तो पनीर नहीं मिला, तो हमने सोचा घर का ही कुछ सामान ले लेते हैं, वो मैंने ले लिया है। यहाँ आप जैसा कि देख सकते हो मार्केट भी पूरी तरह से खुला नहीं है, थोड़ी देर में खुल जाएगा। एक्चुअली मैं ही थोड़ा सा जल्दी आ गया हूँ, मार्केट खुलता है 10:30-11 बजे तक, लेकिन आज मैं थोड़ा सा जल्दी। आ गया हूँ किट्टू को स्कूल से लेने के लिए, तो आप मेरे साथ देख सकते हो उसका स्कूल कैसा है, मैं आपको दिखाता हूँ अंदर से, आज आपको उसका अंदर का भी दिखाता हूँ। और ये है यहाँ पे खेलने का एरिया, काफ़ी बड़ा स्कूल है उसका, देख सकते हो आप दोस्तों। ये है स्कूल ऑफ स्कॉलर्स। दीदी सौम्या राजपूत को बुला देना। ये हैं सौम्या की केयर टेकर, तो ये सौम्या को बुला रही हैं। ये उसका असेंबली एरिया है यहाँ पे, उसकी असेंबली होती हैं। किट्टू भी आने वाली है, बोल दिया है मैंने दीदी को, तो वो भेजने वाली हैं किट्टू को। ये देखिए, और यहाँ आप देख सकते हो बच्चे भी काफ़ी खेल रहे हैं बाहर। ये स्कूल्स के कुछ नोटिस वगैरह, ये नोटिस बोर्ड है, नोटिस बोर्ड है स्कूल का, यहाँ पे सारे नोटिस वगैरह लगा रखे हैं।
ये देखो सोम्या भी आ चुकी है। सोम्या से हाय। सोम्या को मैंने स्कूल से पिक कर लिया है। आप देख सकते हो बच्चे खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ये सोम्या भी खेल रही है और भी बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पर।